ये प्लांट ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये ग्रिड कनेक्टेड नेट मीटरिंग के साथ में प्लांट लगा हुआ है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम करने के लिए ओनर ने ये प्लांट लगवाया था। तो मैं जानना चाहूँगा ईशान जी आपसे कि इस सिस्टम को लगाने से पहले कस्टमर का कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था जी, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो रहा है इससे। इस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 50,000 रुपये पर महीने का बिल आता ही था। ओके, तो अब ये सोलर प्लांट लगने के बाद से इनका बिल 90% रिड्यूस हो चुका है, और अब कभी कुछ महीनों में बिल नहीं भी आता है। ओके, ऐसे भी सिनेरियो होते हैं। तो ये मुझे बताइए कि कैसे कस्टमर जो है एक बेस्ट पैनल सेलेक्ट कर सकता है हमारे इंडिया के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। देखिए, पैनल सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी EPC के लिए भी, किसी ओनर के लिए भी, क्योंकि 70% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट पैनल की कॉस्ट होती है। ओके, तो इसके लिए हाई क्वालिटी पैनल यूज़ करना ही मैं एडवाइस करूंगा, चाहे कोई भी अपने खुद पे के प्लांट पे लगा रहा हो या फिर कोई EPC भी हो तो भी उनको मैं यही एडवाइस करूंगा। नाविटा सोलर हमने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि नाविटा सोलर टॉप 5 कंपनीज में आता है इंडिया में। ओके, हाँ, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो प्रूवन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर हमारी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है उसमें हम पैनल्स की IV कर्व चेक करते हैं। okay. और उस IV कर्व में हम हमेशा ये जांचने की कोशिश करते हैं कि एफिशिएंसी लॉस जितना कंपनी ने बोला है उतना ही है या उससे कम जा रहा है। okay. अगर उससे कम जाएगा तो इनकी परफॉर्मेंस वारंटी एक्टिवेट होती है और पैनल रिप्लेस होएगा। बट आज तक ऐसा कभी सिनेरियो आया नहीं है नाविटास के साथ में कि हमें कुछ भी रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ी हो। ओके, और अगर कोई कहीं पर जैसे पैनल डैमेज हो गया है किसी आउटसाइड इम्पैक्ट, किसी ने पत्थर मार दिया पैनल पर या उसकी वजह से कुछ डैमेज है, तो वो इन लोगों ने 5 से 6 दिन के अंदर साइट पे पहुंचा के रिप्लेस करवाने की मतलब हमें हेल्प करी है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो इन कंपनीज के बाद में कौन कौन सर्टिफिकेशन वगैरह है? देखिए, सर्टिफिकेशन एक बहुत ज़रूरी बात है। ALMM अप्रूव होने चाहिए ब्रांड, BIS अप्रूव्ड होने चाहिए ब्रांड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं। okay. उसके बिना कोई अगर आप ब्रांड लेते हैं तो उस पर गारंटी वारंटी की कितनी इशू आपको आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा IEC सर्टिफिकेट्स होते हैं जो कि आपको नेट मीटरिंग के लिए लगाने ज़रूरी होते हैं। तो ये सब नाविटास के पास में अवेलेबल है। एब्सोल्युटली।